अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब ठीक हो गए, खुश हो गए, मज़े में हो गए। तो आज यहाँ पे मम्मी बनाने वाले हैं मैंगो रबड़ी। मम्मी आज बनाने वाले, तो चलिए देखते हैं अभी आगे रेसिपी के कैसी बनती है और क्या कैसे बनाते हैं। तो एंड तक ज़रूर देखना, तो आपको पता चलेगा। और कमेंट में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चल ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी मैं दूध उबालने रखी हूँ, क्योंकि मैं इससे बना रही हूँ मैंगो रबड़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने दूध बॉईल करने रखी, तो ये 1 लीटर दूध है जो मैंने बॉईल करने रखी थी। तो 1-2 उबाल इसमें आ गया है, तो मैं इसकी मलाई साइड पे करते जाती हूँ इस तरीके से। और हम इसी तरीके से इसको, ये 1 लीटर दूध में से हम आधा लीटर दूध जितना हम इसका बॉईल कर लेंगे। और जब ये अच्छा थिक गाढ़ा हो जाएगा तो फिर आगे आपको फिर बताती हूँ मैं। तो अच्छे से हम इसको अभी स्लो गैस पे पकने देते हैं, अच्छा गाढ़ा थिक होने देते, उसके बाद आगे। और मैंने इसके लिए मैंगो भी काट के और मैंगो पल्प करके मैंने रख दी हूँ मिक्सी जार में। मैंने अच्छे से उसको ग्राइंड कर ली थी, तो अच्छे से मैंने पल्प बना लिया उसका भी, तो वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने मैंगो पल्प बना ली। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं की हूँ, सिर्फ मैंगो और थोड़ी सी शुगर डाली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डाली अभी मैंने। बाकी सारा जैसे जैसे मैं करते जाऊँगी वैसा वैसा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस पर आपको रेसिपी के भी वीडियो देखने मिलेंगे, डेली ब्लॉग भी रहेंगे, जो भी मेरी रूटीन रहती है मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, तो आपको इस पर हर चीज़ देखने मिलेगी, केक की रेसिपी हो या कुछ भी। आपको जो भी, अगर आपके आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ है जो आप चाहते हो कि आप मेरे को बोलो बनाना, तो आप मुझे बताओ कि आप कौन सी रेसिपी मेरे से देखना चाहते हो, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि दीदी, आप जो भी मुझे जो नाम से आप पुकारते हो वो नाम लेके आप मुझे कमेंट करो कि अब हमें ये रेसिपी देखनी है, आपका चैलेंज वाला ब्लॉग देखना है या जो भी, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँ। ये देखिए, मेरे दूध में अच्छी खासा उबाल आ गया है और मैंने उसको अच्छा गाढ़ा कर ली हूँ इस तरीके से मलाई साइड पर करते करते। तो बस अब इसके लिए हम अभी हम इधर वेनिला कस्टर्ड रेडी करेंगे। तो मैं इधर 2 चम्मच भर के कस्टर्ड ले रही हूँ, तो ये वाला चम्मच है खाने वाला चम्मच, उससे मैं 2 चम्मच भर के कस्टर्ड ले रही हूँ इसमें। तो इसमें मैं थोड़ा सी पानी ऐड करके, ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। तो अभी मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर दूंगी, तो आपको जैसा भी मीठा चाहिए आप वो हिसाब से शुगर इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं 1 कप के ऊपर थोड़ा ही 1-2 चम्मच ऐड करूँगी, तो ये इनफ हो गया इतना। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे शुगर गलने तक आएगी। तो आप देख सकते हो शुगर अच्छे से गल गई है, क्योंकि दूध अपना गर्म है तो फटाफट इसमें शुगर गल जाती है। तो ये देखिए, मैंने कस्टर्ड इसमें घोल के रखी हूँ, तो अभी इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे कस्टर्ड, और इसको हिलाते जाएंगे। तो कस्टर्ड के साथ भी हम 1 उबाल आने देंगे। और मैंने इधर है ना नरम पाव लेके उसको पीस के रखी थी, अच्छा इसमें दरदरा टेक्सचर देने के लिए। तो आप देख सकते हो मैंने पाव को इस तरीके से पीस ली थी। आप चाहे तो पाव लो, ब्रेड लो, वो आपके ऊपर है। तो मैंने नरम पाव ऐड कर रही हूँ इसमें। तो ये देखिए, अच्छा गाढ़ा टेक्सचर हो गया है इसका। तो ये स्टेज पे मैं इसके अंदर ये पाव ऐड कर दूँगी जो मैंने पीस के रखी थी वो। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से ये अच्छा गाढ़ा हो गया है और काफ़ी अच्छा टेक्सचर आया है इसका। और मैं इलायची पाउडर ऐड करूंगी इसमें,
तो ये आधी चम्मच जितना इलायची पाउडर है, आप चाहो तो डाल सकते हो, आप चाहो तो ना डालो, वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल है वो। पर इलायची पाउडर डालते तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें, तो इसके लिए मैं तो थोड़ा ऐड करती हूँ हर एक मीठे में, तो काफ़ी अच्छा लगता है उससे। तो उसमें मैं कुछ केसर डाल रही हूँ, कुछ स्टेंस डालेंगे हम केसर के, और उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो केसर का भी अपना ही फ्लेवर है, अपनी खुशबू है उसकी, अपना ही टेस्ट आता है केसर से भी, तो मैंने इसमें ऐड कर दी हूँ। बस अभी हम गैस बंद कर देंगे और मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल देती हूँ अभी। सो ये देखिए, मैंने मैंगो पल्प बना के रखी थी, और मेरा इधर ये दूध भी ठंडा हो गया है, जो मैंने रबड़ी बना के रखी हूँ वो भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अभी इसके अंदर मैं ये मैंगो पल्प डालूँगी, तो इसमें मैं 2 चम्मच जितना मैंगो पल्प डाल दूँगी, इस तरीके से 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें मैंगो पल्प डाले हूँ। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको हम अच्छा चील करके उसके बाद ही इसको हम सर्व करेंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अभी इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी, तो मैंने बादाम और पिस्ता ली हूँ, तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए, और मैं सर्विंग के टाइम पे भी जब ये बच्चे लोग को मैं ये सर्व करूँगी, उस टाइम पे आपको इसका रिव्यू भी दूँगी, कैसा है, बच्चे लोग के पास रिव्यू दिलाऊँगी कि कैसा बना है, तो भी आप लोग को इंशाल्लाह बताएंगे कि कैसा बना है ये। तो आप लोग भी ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो देखने के लिए, मेरे ब्लॉग देखने के लिए। तो बस अभी इसको मैं ठंडा करने फ्रीज में रख दूँ। तो यहाँ पे हमारी मैंगो रबड़ी बन के रेडी हो चुकी है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और कमेंट में बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।